नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्काल्प और इचिंग और डेंड्रफ को लेकर। स्काल्प इचिंग डेंड्रफ आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आचार्य सुश्रुत ने शूद्र रोगों का जो वर्णन किया है उसमें उन्होंने ये डिसीज अरुंशिका जैसे जिसमें खुजली फोड़े वगैरह आते हैं बालों पर या शिर स्थान पर, तो ये एक प्रकार से हम इसको शिरोजन्य कृमि नाम भी दे सकते हैं जो स्काल्प इचिंग होती है या जो डेंड्रफ होता है। आयुर्वेद में लाइक डेंड्रफ के लिए तो कोई हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि वात टाइप का ये इन्फेक्शन होता है, वातज शिरो रोग या वातज शिरोदुष्टि के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। जहां पर भी कोई रूखापन हो वहां पर खुजली हमेशा आती है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस व्याधि में भी वात दोष का ही प्रकोप होता है और वात दोष के साथ साथ कफ कहीं ना कहीं कृमि। ये डेंड्रफ यानी क्या है, जो व्हाइट लाइक कुछ ऐसे ये निकलता है ना वहां से, कुछ लाइक चिपचिपाहट कभी भरा होता है कुछ, और बहुत ही ड्राई टाइप का ये होता है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एक्जिमा भी इसको हम लोग कह सकते हैं, एक्जिमा कहिए, शिरो रोग कहिए या अरुंशिका कहिएगा। तो ये इस दारुणक भी ऐसे ही टाइप का व्याधि है जिसमें भी वात की रुक्षता काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण रूखापन आ जाता है। तो डेंड्रफ के लिए कई सारे कारण होते हैं, जो बाल झड़ने के कारण है, खालित्य पालित्य के जो कारण है, आमतौर पर उन सभी कारणों को हम लोग डेंड्रफ के लिए देख सकते हैं। लाइक इसमें आ जाता है फिर कोई भी लाइक केयर ना करना बालों की, तेल ना लगाना, ऑयलिंग ना लगाना। हमारे शरीर में स्नेहन की काफी आवश्यकता होती है, शरीर को ऐसा नहीं है कि केवल लाइक बॉडी के लिए ही मॉइस्चर की जरूरत है, बट शिरो भाग पर भी या सभी अंतर्गत शरीर में, बाह्य शरीर में, सही सभी जगह पर एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो मूवमेंट होती है, स्रोतसों का कार्य है, सिस्टम का कार्य है, उन सभी के लिए भी स्नेहन आवश्यक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो हमारे लंग्स है या ट्रकिया है उनका भी हमेशा वो 24 आवर्स काम करते रहते, तो इसीलिए वहां पर एक द्रवगुण की आवश्यकता होती है। तो द्रवगुण ये अवलंबक कफ के साथ हमें मिल जाता है, ये जो फुफ्फुसों का पोषण करता है। तो कफ यानी एक पेरिटोनियल फ्लूइड मानिए, पेरिफ्लूरल फ्लूइड मानिए, जो कि अप्यांश देता है। तो शिरोभाग पर भी इसी रूप से अप्यांश एवं द्रवांश की जरूरत होती है। शिर ही हमारा एक महत्वपूर्ण अवयव है, जो हम त्रिमर्म बोलते हैं ना, उस मर्म में भी शिर का उल्लेख हुआ है। तो शिरोभाग पर हमारे जो बाल होते हैं, केश होते हैं, इस शिरोगत केश में कई एक प्रकार का जो निकलता है पदार्थ निकलता है, सब्सटेंस निकलता है। कुछ लोग इसको सिबेसिस ग्लैंड का इन्फेक्शन भी कहते हैं, सिबैटिक डर्माटाइटिस भी इसको कहा जा सकता है, जिसमें सिबेसिस ग्लैंड जो होती है ना पूरे शरीर पर, वो कई एक चिपचिपाहट भरा अधिक ऐसे स्त्राव लाइक सीबम सिक्रेट करती है और ये सीबम जमने लग जाता है। और इसको हम लोग बालों की केयर अच्छे से नहीं करते, उसको साफ नहीं करते ठीक तरह से, तो भी ये खुजली होने लग जाती है या स्काल्प इचिंग होता है। कुछ मैंने अगर प्रकृति को जैसे मैं बताती हूँ उसमें अगर देखा जाए तो वात प्रकृति में ये बहुत आम है। वात प्रकृति में रूखापन बहुत ज्यादा होता है, तो वात प्रकृति के लोगों के वैसे भी बाल खुजलाने की एक आदत बन जाती है। पित्त प्रकृति में घाम अधिक आता है, स्वेद जन्य, तो स्वेद अधिक बनने के कारण भी अगर स्वेद बन रहा है और आप साफ सफाई नहीं रख रहे बालों की तो भी वहां पर खुजली होगी। इसी के साथ साथ कफ दोष में भी चिकटपना यानी स्निग्धता है कफ दोष में, तो ये भी कारण हो सकता है। तो तीनों दोषों का वैसे हम लोग प्रकोप देख सकते हैं खुजली के लिए, ऐसा नहीं कि केवल वात ही होगा, तीनों दोष हो सकते हैं। बट जैसे प्रकृति का विचार अगर हम लोग करेंगे तो इसमें कफ प्रकृति में जो कोंडा होगा, जो डेंड्रफ होगा, वो थोड़ा चिपचिपाहट भरा होगा और वात में ये ड्राई होगा और पित्त में उसके साथ कई फोड़े बन जाते हैं खुजलाने के कारण, और उसमें लाइक रेडनेस या पाक भी कभी कभार ऐसे पस फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो अभी हम लोग इसमें ट्रीटमेंट पार्ट क्या करें, ट्रीटमेंट प्लान तो ठीक है, आपको साफ सफाई वगैरह रखनी है, इसको थोड़े और कारण मैं बता देती हूँ। एक तो जैसे ये एक्जिमा भी हो सकता है, ड्राई एक्जिमा का भी प्रकार होता है। कुछ बार ऐसे भी देखा है मैंने कि जो स्काल्प सोरियासिस, सोरियासिस जो एक त्वचागत व्याधि है ना, उसका आरंभ स्टार्ट भी सर से हो सकता है। तो आप ये डेंड्रफ है या सोरियास्टिक टाइप का है ये भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सोरियाटिक टाइप का हो तो उसका जो ये होता है ना सिल्वर टाइप के ये डेंड्रफ निकलेगा और वहां पे वो बैठ जाएगा, खुजली बहुत होती है। और हमारा सिंपल डेंड्रफ होगा तो आप जैसे एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं या कोई घरेलू
नुस्खा यूज कर जाते हैं तो वहां पे वो डेंड्रफ चला जाता है, बट अगर सोरियाटिक हो तो वो काफी जल्दी नहीं निकलेगा और फिर धीरे धीरे लाइक ये आपके शरीर पर कहीं ना कहीं ये फैल जा सकता है अगर सोरियाटिक टाइप का आपका आपको ये डेंड्रफ रखता है। इसके साथ पानी में क्षार का अधिक मात्रा में प्रयोग है, कृमि रोग के कारण भी अगर शरीर में कहीं कोई बैक्टीरियल या कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन भी ये इसका कारण होता है, कोई कृमि हो तो इस कृमि के कारण भी ये सर के इसमें बाल पर या स्काल पर इचिंग हो सकती है। तो ऐसे कई सारे कारण इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अभी ट्रीटमेंट प्लान में जैसे मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लीनिंग है, प्रॉपर क्लीनिंग करना होगा। अभी आज बाजार में देखेंगे तो इतना भीड़ है, सभी शैम्पूज का ये एडवर्टाइजमेंट होती है, ये यूज करो वो यूज करो, सब सभी लोग दावा करते कि ये मेरा शैम्पू है जो आपके बालों को एकदम सुंदर मुलायम एंड ऑल लाइक बना देगा, बट ऐसे होता नहीं। वास्तव में हम लोग देखते हैं कि बालों की समस्या काफी बढ़ती है, बढ़ रही है, फिर लाइफस्टाइल खान पान भी इसमें आएगा, वो तो आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्लीनिंग हो गई, साफ सफाई हो गई। कुछ लोग हमेशा पूछते कि हफ्ते में बाल कितने दिन साफ करने होंगे, तो ऐसा मुझे लगता है कि कोई किसी का रूल नहीं है, एज ए रूल नहीं है, बट हफ्ते में कम से कम 2 बार तो भी आपको हेड वॉश करना जरूरी है। बट कुछ लोग डेली हेड बात लेते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 बार लेते हैं, डिपेंड्स अपॉन यूर लाइक आदत आपकी होती है ना। जिनके बाल छोटे होते हैं तो वो बार बार भी नहा सकते हैं, बार बार भी हेड बात कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक महिलाएं कि मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं और मैं इसको संभाल नहीं पाती हूँ तो मैं हफ्ते में 1 बार करती हूँ हेड बात, कुछ लोग 2-3 दिन बाद, तो इट डिपेंड्स अपॉन, बट हफ्ते में कम से कम 2 बार आप करें। अभी यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है कि बालों का ये शिव भाग जो है, देखिए तो मस्तिष्क को समझिए, मस्तिष्क ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का जो सभी एक संचलन करने वाला है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऑल द सेंटर्स आर रिलेटेड टू दिस मस्तिष्क। हमारा पूरा शरीर का फिजियोलॉजी मस्तिष्क के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये तो नूरिश करता है, ये अभ्यंतरी नूरिश करेगा, बट बाहरूनी भी शिरो का एक हेल्थ मेंटेन करने के लिए, हमारे मस्तिष्क की हेल्थ मेंटेन कराने के लिए केवल साफ सफाई से नहीं चलेगा, तो हमें यहाँ पे स्नेहन की भी आवश्यकता होगी। तो ऑयलिंग, मसाज, शिरो पीचू, शिरो अभ्यंग, शिरो धारा, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी आप तेल से, बट मैं सिंपली सजेस्ट करूंगी नारियल तेल इज द बेस्ट वन, मुझे लाइक बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। आप आलमंड तेल है, भृंगराज है, माका है, कोई भी आप घर में भी तेल सिद्ध कराकर पाक कराकर जसवंती का तेल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्नेहन करिएगा, ऑयलिंग करिएगा, ऑयलिंग बहुत जरूरी है। ऑयलिंग के साथ ही क्योंकि रूखापन बड़ा है तो ऑयलिंग स्नेहन इंपॉर्टेंट होगा, स्नेहन तो इंपॉर्टेंट होगा, इसके साथ साथ आपको अभी जो इसमें स्कैल्प का इचिंग अगर है तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो थोड़े से मैं कुछ इसमें फॉर्मुलेशन भी बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला मुझे लगता है ना फॉर्मुलेशन क्या यूज करना है, त्रिफला के काढ़े से बालों को धोना, इची स्काल्प के लिए, बालों के पोषण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये फॉर्मूला है जो बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अभी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन की बात मैंने की थी, तो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन के लिए भी त्रिफला चूर्ण लाइक पेस्ट बनाकर घोल के माध्यम से जैसे भी आप चाहो इसको आप कर सकते हो, आप इसको नहाने के पानी में डालकर आप इसको उपयोग में लाइएगा। दूसरा मैं इसके बनाऊ इसको बताती हूँ, फेनोग्रिक यानी मेथी का जो दाने होते हैं ना सीड्स, उसको भिगो कर इसके पेस्ट स्मैश करके बनाइएगा, उसको बालों पर लगा दीजिएगा, 15-20 मिनट के लिए रखिएगा उसको, और बाद में हल्के से गुनगुने पानी से आप इसको धो दीजिएगा, आपको दूसरे दिन फर्क आएगा डेंड्रफ के लिए भी और इचिंग के लिए भी। फेनुग्रीक का पानी या स्मैश करके उसका पेस्ट लेप। नेक्स्ट मैं बताऊंगी नींबू, नींबू का रस, थोड़ा नींबू को लेकर ड्राई माना जाता है ना, नींबू तो एंटी डेंड्रफ है ही बिल्कुल, बट ये ड्राइनेस होता है, तो अगर आप इसमें इस नींबू में थोड़ा सा जिंजर का जूस मिलाकर लगा देते या फिर ऑलिव ऑयल या आलमंड का ऑयल डाल देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, और हल्के से फिंगर टिप्स से इसको लगाइएगा या थोड़ा सा लाइक कॉटन लेकर भी आप इसको लगा सकते हैं बालों में, और लगाने के बाद ये अच्छा काम कर देगा, मतलब आपका डेंड्रफ कम हो जाएगा, इचिंग कम होगी। ये तो नींबू का रस हो गया, बट कड़ू नीम के पत्ते है ना, कड़ू नीम के पत्ते जो आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं उसको थोड़ा पेस्ट बनाइएगा, कल्क बनाइएगा, और इस कल्क का लेपन भी आप कर सकते हैं। इवन दो कड़ू नीम के पत्तों का काढ़ा घोल बनाकर नहाने के पानी में डालकर आप हेड बात भी करवा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है मूंग दाल, ग्रीन ग्राम को आप थोड़ा सा लाइक बनाकर उसका पेस्ट बनाकर लगा दीजिएगा। अभी ग्रीन ग्राम क्यों, देखिए बेसिकली हमारे हेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इट इज अ प्रोटीनियस सब्सटेंस, अस्थिगत
अस्थि का ये मल माना है ना, अस्थिगत पृथ्वी भाव है, तो आहार में पृथ्वी घटक आपको बढ़ा देने होंगे, जिसमें कई सारे प्रकार के दालें, अनाज साबुत दाल वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो ये ग्रीन ग्राम का पेस्ट आप लगा सकते हैं। एक मुझे याद है हमारे यहाँ पे एक बहुत चलता था सीताफल होता है, तो सीताफल के जो अंदर के जो ये होते बीज होते हैं, इन इन बीजों का कूट कर चूर्ण बनाकर उसका पेस्ट अप्लाई कर देते तो तुरंत, और ये तो ऐसा था ना कि लाइक बालों में जो इन्फेक्शन होता है, कृमि होते हैं, जो लाइक लिसी वगैरह होते हैं, लाइस वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा नुस्खा माना जाता है। अगर आप सीताफल के बीज का कूट कर इसका लेप आप इसमें लगा देते हैं तो काफी अच्छा ये बन जाता है। नहीं, इसके बाद इचिंग के लिए आपको टी ट्री का ऑयल है, उसका मसाज आप लोग कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा माना है। एलोवेरा का जेल अप्लाई कर सकते हैं, काफी फायदा मिलेगा आपको। फिर एप्पल सीडर का विनेगर मिलता है मार्केट में, इसको भी आप कॉटन में लेकर अप्लाई कर सकते हैं। नीम का पाउडर, नीम के कैप्सूल भी इंटरनल दे सकते हैं, नीम का पाउडर और कोकोनट तेल में नीम का पाउडर डालकर इसको थोड़ा सा पेस्ट के जैसा बनाकर भी आप लेप लगा सकते हैं। दूसरा बहुत ज्यादा चलने वाला है दही, कर्ड, योगर्ट, और फेनुग्रीक सीड, इसका पेस्ट बनाकर आप 20 मिनट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्ड ये एक प्रोबायोटिक भी है, और कर्ड ये लाइक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन को कम करा देगा बालों को। आपको एक मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आमतौर पर लोग हेल्दी बाल बनाने के लिए भी कर्ड लगा देते हैं, बट यहाँ पे जो इची स्काल्प है उसके लिए भी ये काम करेगा। ठीक है, फिर अभी आपको दूसरा में प्रिवेंशन का तो है ही, जैसे प्रिवेंशन के लिए आप बार बार बालों को साफ सफाई का ध्यान रखना है, और जो पानी आप यूज करें वो हार्ड वाटर है क्या वो देखना पड़ेगा, ऑयलिंग करना जरूरी होगा। एक और इसमें कृमि का डर रहता है, कृमि तो मुझे लगता है कृमि कुठार या कृमिघ्न चिकित्सा भी हमें साथ में करनी होगी, वो भी काम अच्छा करेगी। आप कृमि कुठार रस या कृमिघ्न वटी, विडंगारिष्ट, विडंग चूर्ण दे दीजिएगा तो कृमि चले जाएंगे, कृमिघ्न चिकित्सा हो जाएगी। इसके साथ भी आपका रूखापन और इचिंग जो होती है ना बालों में वो अच्छे से काम करेगी। इसके साथ इंटरनल मेडिसिन में आरोग्यवर्धिनी और अस्थि मज्जा पाचक यूज करेगा, अस्थि मज्जा पाचक, क्योंकि अस्थि का ही पार्ट है ना बाल, तो अस्थि मज्जा पाचक का भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और एक थोड़ा सा दीपन पाचन मानिएगा, कृमिघ्न चिकित्सा, अस्थि का पोषण होगा, इसमें आप अस्थि का पोषण भी करा सकते हैं, अस्थि पोषक वटी आप दे सकते हैं, जैसे बाल बहुत ही रूखे सूखे भी है और डेंड्रफ भी है, बाल बढ़ते नहीं है, ग्रोथ उनकी नहीं हो रही होती है, तो इसके लिए भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थि पोषक वटी है, लाक्षागुल दे सकते हैं, काफी इसका भी ये रहेगा, बट ज्यादा हम लोग डेंड्रफ के लिए तो घरेलू नुस्खे ही यूज करते हैं। दूसरा एक है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर या घोल बनाकर आप नहाने के लिए, हेड वॉश के लिए इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। नेक्स्ट है पंचवलकल, पंचवलकल भी कडुग्न है, तो पंचवलकल का पेस्ट बालों में अप्लाई करिएगा। लोध्र, मंजिष्ठा और लाइक कषाय गुण वाले उदुम्बर है, इनका भी पेस्ट मिलाकर आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी पंचवलकल भी कडुग्न भी है और अच्छा, ये भी एक नेचुरल रेमिडीज के रूप में आपको अच्छा काम करने वाला बन जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक और मुझे याद है हम लोग वो भी काफी यूज करते हैं, बनाना, मैश्ड बनाना, यानी बनाना का केले को लेकर उसको स्मैश करिएगा और इसका लेप आपको लगना है, लगाना है, अप्लाई कराना है, और 30 मिनट्स के बाद इसको निकाल देना है, क्योंकि बनानाज में मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मतलब एक प्रकार से नरिशिंग है, तो कहीं ना कहीं कुपोषण, पोषण ठीक से नहीं होना, ये भी रूखापन लाने के लिए मजबूर कर देता है, यानी रूखापन आ जाता है। तो बनाना एक हेल्थ फैक्टर को लेकर, जिसमें बाकी सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, इन मिनरल्स को देखकर भी ये काम करेगा। कुछ लोग अंडा लगा देते हैं, एक का दोनों भी भाग चलते हैं, एक का पीला भी पार्ट लगा देते हैं कुछ, और एक का वाइट पार्ट भी लगा देते हैं, तो ये आप दोनों भी यूज कर सकते हैं। काफी एग्स में प्रोटीन होता है ना, तो प्रोटीनियस न्यूट्रिशियस होता है, इसीलिए शायद ये यूज करता करना ठीक माना गया है। तो मेरे विचार से ये सारा कुछ डैंड्रफ के लिए काफी अच्छा रहेगा। और फड़ का ये जेल होगा, या आरोग्यवर्धिनी, कड़ू नीम के पत्ते हैं, और नारियल तेल है, भृंगराज वटी है, भृंगराजासो है, माका आप दे सकते हैं, इसमें आपको फिर मंजिष्ठा वगैरह भी है,
सीताफल का मैंने बताया उसका यूज करिएगा, हल्दी का यूज कर सकते हैं, हल्दी का पेस्ट फोरफड़ के जेल में डालकर ये भी आप लगा दीजिएगा, मेथी का बहुत अच्छा रहेगा, जासवंत का हैबिस्कस का भी फूल तेल में पकाकर या उसका सिद्ध तेल बनाकर जासवंती लगा दीजिएगा, जासवंती बालों को बहुत ही अच्छा काम करती है ना, मतलब बालों को बढ़ा भी देगी और ये नरिशमेंट के हिसाब से भी अच्छा है। तो ओवरऑल मेरे विचार से जो ये डर्माटाइटिस टाइप का या सीबेसियस ग्लैंड का इन्फेक्शन मानिएगा, इसको सोरियाटिक मान सकते हैं, इसको ड्राई एक्जिमा मान सकते हैं, इसको अरुणशिका दारुणक वगैरह रोग को से भी जोड़ा जा सकता है, आचार्य सुश्रुत ने जो बताया है। तो इस विचार के साथ मुझे लगता है इतना मेरे विचार से ये सब कुछ हम लोग कर देते हैं तो काफी आपको आराम मिलता है। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि उनमें कोंडा बनता है, तो इसमें मुझे लगता है कि हम लोग स्नेहन कंटिन्यू करते रहेंगे, बस एक बार थोड़ा सा वात का शमन हो इसके लिए उनको लाइक अनुलोमन या बस्ती का भी कोर्स, अगर बहुत ही हेवी टाइप का है तो बस्ती वगैरह भी काम करेगा, वात दोष के लिए काम अगर आपको करना होगा तो बस्ती चिकित्सा भी की जा सकती है। नॉर्मल एक एज अ पंचकर्म शोधन चिकित्सा की दृष्टि से हम बस्ती का भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, अभी आप बताइए आपका कुछ इसमें एडिशन होगा तो अनुभव होगा तो बता सकते हैं। बट इंटरनल मेडिसिन में आरोग्यवर्धिनी, अस्थि पोषक वटी, मृता गुगुल, आभा गुगुल, कैशोर गुगुल, महामंजिष्टादि और लाइक कंडू न कम कराने के लिए कुमिकुठा रस, वेडंग चूर्ण, वेडंगारिष्ट, ऐसे अगर हम लोग देते तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। बताइए केतकी, बताइए मैम। ऑलमोस्ट सारे सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए। हाँ नहीं, इंटरनल मेडिसिन में और क्या दे सकते, मेरे विचार से क्रूमिक उठार और क्रूमिक नहीं ठीक रहेगा, है ना? सही बात है मैम। और जो आपने बताया वो फिर, और मेद भी बहुत, मतलब मेद का मतलब बढ़ना और कम होना दोनों इफेक्ट करता है, दोनों ही। यस यस एग्जैक्टली, जैसे वेट लॉस और वेट गेन में एक सिंपल एग्जांपल, तो दोनों वो तो मेद का भी थोड़ा विचार हो जाए तो बालों पे फर्क होगा जल्दी। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। मेद मुझे लगता है ना स्थूलता में भी होता है क्या कई बार ऐसे चिपचिपाहट के कारण? जी 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 मैम जी, वही तो, मेद का अगर पाचन ना हुआ ठीक से, कम भी हुआ और ज्यादा भी हुआ तो भी बालों पे फर्क मतलब देखने में मिलता है। ओवरऑल इट इज रिलेटेड विद पोषण आई थिंक ना, पोषण अगर ठीक हो तो डेंड्रफ नहीं होगा, पोषण की कमी के कारण भी डेंड्रफ हो जाता है। जी 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 मैम जी, तो कुपोषण भी इसका कारण है बिल्कुल। जी मैम। माधुरी आप बताइए। नमस्ते मैम। इंटरनल मेडिसिन तो मैं यही देती हूँ, आपने जो बताया था ना, आद्यवर्धिनी, गंधक रसायन, विडंगारिष्ट, सूक्ष्म त्रिफला, कभी सीढ़ी हो तो कैशर गुगुल, अमृता गुगुल, ऐसे मतलब ना इन्फेक्शन हो गए ना, बॉयल्स आते हैं ना एब्सेंस जैसे छोटे छोटे, तो पहले वो, फिर ये ऐसे त्रिफला गुगुल भी चलाती है ऐसे ये करके। और फिर मैम मैं हेयर पैक भी अप्लाई करने को बोलती हूँ, नहीं तो खुद भी अप्लाई करती हूँ। हेयर पैक रहता है ना जिसमें कलर भी होता है और डैंड्रफ भी कम रहता है, जैसे मेहंदी, नीलिनी चूर्ण, जपा। हाँ मेहंदी के पत्तों का भी लगा देंगे ना हम लोग इसमें, हाँ, पेस्ट का। हाँ कुमारी वगैरह डाल के जो बनाते हैं ना फोरफड़ वगैरह, तो उससे भी मैम अच्छा, मतलब ना महीने में एक बार किया या 15 दिन में एक बार किया तो भी अच्छा रहता है, उसमें थोड़ा सा लोह भस्म ऐसे लाला तो अच्छा लगता है, या मंडूर बस। इसमें ये नीली भृंगराज भी तेल काम करेगा ना, नीली भृंगराज। हाँ नीली भृंगराज मनस्य भी काम करता है ना मैम, नस्य भी कराएंगे क्या हम लोग इसमें, नस्य करा सकते हैं? हाँ नस्य करा सकते हैं, उसमें एटलीस्ट हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है मैम, पली पालित खालित्य के लिए, और डैंड्रफ में तो ये लोकल एप्लीकेशन और क्रूमिक ना अंदर से चिकित्सा करनी पड़ेगी। और अभी केतकी मैम ने बोला ना मेदो पाचक वगैरह करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल यस, मेदो पाचक भी करेंगे और अस्थि पाचक भी करेंगे। हाँ वो भी चले, अस्थि मज्जा पाचक, मेदो पाचक, रस पाचक, रस धातु भी पहला इम्पोर्टेंट होता है ना मैम, रक्त पाचक भी चाहिए, ब्लड सप्लाई कम हुआ है या क्या है उसमें भी देखते हैं। अच्छा और बताइए किसी को कुछ बोलना हो तो। क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है मैम, अच्छे से क्लीन करना, ड्राई कर, हेयर ड्राई, बाकी तो जो आमतौर पर हम लोगों को सभी को पता है ना हेयर केयर के को लेकर की
लाइक बहुत ज्यादा हेयर ड्रायर का प्रयोग, तिलोक कवर भी बदलते रहना चाहिए, धोना चाहिए दो तीन दिन के ऊपर, डैंड्रफ है तो पिलो कवर देते ना अपने बेडशीट, हाँ, क्लीन रहने चाहिए, मतलब जिसको डैंड्रफ है तो वो दो दिन के बाद बदलना ही चाहिए पिलो कवर, अगर क्लीन पहनना चाहिए ये कोम, हेयर कोम सबका अलग अलग होना चाहिए, हेयर ड्राई के कारण भी मैम आजकल तो हेयर ड्राई काफी यूज किया जाता है, अभी तो कंपलसरी हो गया है। हाँ नेचुरली सुखाना चाहिए पर लोग पता नहीं यूज करते अभी उसके लिए। हाँ नहीं हेयर डाई के कारण भी होता है, हेयर डाई यूज करते हैं ना, कलर हेयर कलर्स, हेयर कलर्स है बहुत सारे, वही कलर्स मैम यूज करते हैं बहुत, उसके कारण भी खुजली होती है, मेरा मेरा मानना ये है। और बाहर का जंक फूड खाना वो तो मेजर है ना, हर हफ्ते दो बार जाएंगे खाने को बाहर, तो ये भी है मैम, ये सब कॉजेस है जो हेतु पहला ध्यान रखना चाहिए, अभिसंध्य आहार खाते हुए, मैदे वाला वगैरह, पिष्टान्न, तो इससे भी ये होगा मैम सब। बिल्कुल बिल्कुल वो भी हो गया। आप इसमें हाइबिस्कस का यानी जासवंद के पत्तों को ना पेस्ट बनाकर ग्राइंड कराकर भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ पेस्ट, आपने बताया ना लेप लगा देना, हाँ मैम वो काफी अच्छा है ना घरेलू। हाँ मैम तो खुद और की नहीं मुल्तानी लगाती, मिट्टी भी लगा सकते हैं क्या हम लोग, मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं क्या? नहीं मैम मैंने कभी नहीं किया, फेस पे किया है बहुत, पर नहीं, हेयर पे मुल्तानी मिट्टी बालों में भी लगती है, लगती लगा है। सकते हैं मैम, मुल्तानी मिट्टी और तक्र का एप्लीकेशन फंगल इन्फेक्शन कम करता है जल्दी। यस हाँ लगाते हैं हम लोग, लगाते हैं इधर मैम। मैं तो ये हेयर पैक लगाती हूँ, मेरे से मतलब अभी तक तो नहीं हुआ है, पहले होता था बचपन में डैंड्रफ पर अभी नहीं आजकल नहीं होता वैसे डैंड्रफ, बट हाँ। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, आजकल केयर होती है ना अच्छे से बालों की, और बाल छोटे हो गए सबके तो केयर करना हाँ। भी इजी हो जाता है, और बार बार धोते भी है, पहले थोड़ा बाल धोने का प्रमाण कम था, अभी तो सब कुछ ये व्यवस्था होती है अच्छे से सभी घरों में, शॉवर गीजर सब कुछ होता है, तो रोज रोज बाल भी धोना अच्छा नहीं, अगर रोज होते वो भी रुक्षता क्रिएट करते हैं ना, ड्राइनेस स्किन में आएगा तो फिर वो डैंड्रफ बढ़ता है। कई और बार ऐसे होता है ना मैम जो हेयर स्टाइल करते हैं ना, जो बाल को सेट मतलब खुले छोड़ते हैं उनको बार बार धोना पड़ता है, वो अच्छे नहीं दिखते ना उनको, ऐसे वेवी और बाउंसी चाहिए ना बाल को, तो धोना पड़ता है डेली या एक दिन के बाद, तो वो धो देते हैं ऐसे भी होता है हाँ बाउंस लाने के लिए। मैम सबसे मेन है ना ऑयल लगाने के बारे में, थोड़ा हम लोगों को ही पेशेंट को अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, ऑयलिंग ही ऑयल नहीं कोई करता लगाता कोई ही नहीं आजकल, आजकल, ऑयल लगाना ही भूल गए सब लोग। मतलब पूरी लेंथ तक जरूर है, डेली जरूरी नहीं होता है, बस 4-5 बूंद आप लो फिंगर टिप्स पे, और स्कैल्प में भी अगर पहुंच जाए ऑयल तो भी ये डैंड्रफ का ये कम हो जाएगा जो बार बार होता है। ये विकास सर ने जो सवाल पूछा है उनको ना कॉम्बिनेशन बनाने का, हेयर पैक के बहुत ड्रग्स है जैसे मेहंदी, नीलिनी चूर्ण, उन्होंने पूछा है नीलिनी चूर्ण, जपा चूर्ण या थोड़ा सा ब्राह्मी डाल है, आपके ऊपर है क्या क्या डाल सकते, मेथी, कुमारी, भृंगराज, आंवला, ये थोड़ा सा मंडूर भस्म या लोह भस्म, मतलब एक दो तीन चुटकी बोलते ना कलर डार्क ब्लैक चाहिए, या कॉफी पाउडर डालते है उसमें थोड़ा कलर, दही का पानी, ये सब मिलाकर आप बना सकते हैं हेयर पैक जो भी है। इसमें एक मैम केले का भी बन सकता है, बनाना शहद हाँ और लेमन का हेयर पैक, फिर फेनुग्रीक का और लेमन का, फिर हाँ दही का, शहद का और लेमन का, ऐसे अलग अलग आप अपने हाँ इच्छा हाँ अनुसार मंगवा हिसाब सकते हैं। बना सकते हैं। फिर फला चूर्ण का एक बन गया, फिर मूंग का मैंने बताया था मूंग की दाल का पेस्ट, तो वो भी प्रोटीन के लिए है, तो वो भी पैक बन सकता है, जासवंत का और फेनुग्रीक का बनवा सकते हैं, अंडे का और दही का पैक भी काफी लगाते हैं हम बचपन में, बहुत चलता था ऐसे कुछ कुछ लगा देना, अभी थोड़ा कम हो गया सब कुछ। मैम गुड इवनिंग मैम, हाँ मुझे बोलिए। ये पूछना था जैसे एक नेचुरल हेयर डाई जो ब्लैक कलर दे, क्योंकि मैंने जितना भी मेहंदी वगैरह का पता करा है वो सब तो ब्राउनिश या रेडिश टिंच देते हैं, कोई नेचुरल ब्लैक टिंच दे सके ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर आप में से किसी को पता है तो वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अच्छा मतलब आपको हेयर पैक चाहिए या लाइक डाई के मतलब टाइप में कलर चाहिए? डाई का, डाई का, क्योंकि आजकल सब लोग जो डाई यूज कर रहे हैं, जो मैंने काफी लोगों से बात करी तो कहते हैं कि जो हमारी डाई है वो ब्राउन, जो मतलब मेहंदी वगैरह जैसे यूज करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेद वाले, वो ब्राउनिश या फिर रेडिश टिंज देते हैं, तो जो ब्लैक चाहिए किसी को तो फिर वो सीधे सीधे प्रॉपर जो हार्मफुल केमिकल्स वाला डाई है वो यूज कर रहे हैं, तो
कोई अगर आपके पास कोई जो प्रॉपर ब्लैक कलर दे दे डाई का, लेकिन आयुर्वेदिक हो, तो वो आप लोग आप में से किसी को भी तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा यार प्लीज। उसमें डालिए मंडू बस में डालिए, ब्लैक कलर हो जाता है पूरा, ओके, मेहंदी मंडू कम बस मात्रा मांग में लोहे की डालिए, कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई में भिगो देना। हाँ वो लोखंड की कढ़ाई में तो है ही, पर मेहंदी का प्रमाण फिर कम डालिए, नीली नहीं छोड़ो ज्यादा ज्यादा डालिए, कॉफी पाउडर ओके भी मत डालिए वो ब्राउन ही लाता है कलर। फिर ओके ये ओके जो मंदूर बस में, और भी नारियल के जो बाल रहते हैं ना सर, आप वो जला के उसकी राख बना के वो भी डाल सकते हैं, वो भी ब्लैक कलर एनहांस करता है, नारियल के जो बाल रहते हैं ना, आंवला, नारियल आंवला भी डाल सकते हैं, आंवला भृंगराज का आंवला, भी। हाँ भृंगराज आंवला और नीली चूना जरा ज्यादा, और दूसरा मंडूर भस्म डाले तो वो काला होता है पेस्ट पूरा, और लोखंड की कढ़ाई में भिगो, और मेहंदी का प्रमाण मतलब समझो 1 चम्मच, बाकी के सब दो दो चम्मच ऐसे दीजिए। ओके और मंडूर भस्म मैं ये नहीं बोलूंगी 2 चम्मच और भर के, वो तो ऐसे बोलते ना 2 3 ऐसा चिमुट, क्या बोलते हैं आप, चुटकी चुटकी, चुटकी वन चुटकी, दो फोर तीन चुटकी। टीस्पून डालिए, नहीं तो आपको डालना है तो थोड़ा कम उससे ऐसे, तो वो भी इतना काला कर देता है, और थोड़ा वो नारियल के बाल जमा करने के, उसको सूखा रहे तो वो कढ़ाई में उसको जला देने का उसका राख, और वो भी डाला ना तो भी ब्लैक कलर रहता है वो पेस्ट का, ओके ये आप ओके ट्राई कर सकते, देखिए आप ये करके ओके ओके फिर मैम बताइए आपने रिजल्ट। जो ओके शिल्पा मैम आपने जो बस्ती बोला है वो इसमें किस चीज से देनी चाहिए? हाँ सर मैंने एक वात प्रकोप को ध्यान में रखते हुए वात मेरे, वात के लिए बोला है। हाँ, और उसमें आप कल्क में ना विडंग वगैरह कृमिघ्न कल्क डालिएगा, और फिर लाइक अस्थि और मज्जापाचक के भी कुछ द्रव्य हम लोग इसमें डाल सकते हैं, और फिर दशमूल ही डालेंगे, दशमूल रसना एरंड रहेगा, और पोषण अगर आपको मतलब अभी मुझे लगता है ना कि जैसे पेशेंट की कंडीशन है, धातु क्षयजन्य है, मेद क्षयजन्य है या मेदो वृद्धि जन्य है, तो उसका विचार करके जो कल्क के या प्रक्षेप के द्रव्य है तो वो हम लोग बदल देंगे, तो दशमूल तो रहेगा ही वातशमन के विचार से, बट कुछ कृमिघ्न डाल देंगे और कुछ माका और लाइक ब्राह्मी ऐसे भी कुछ डाल देंगे जो कि केश द्रव्य माने, वो भी कुछ ओके डालकर उसका बस्ती हम लोग दे सकते हैं। ओके ओके मैम ये मतलब कितनी मात्रा रहेगी इसमें, क्योंकि ये सर आपको निरूह देना होगा तो आई थिंक मध्यम मात्रा में देते हैं तो 300 350 ml का हो जाता है निरूह मध्यम मात्रा का, ओके और आप अनुवासन, अनुवासन आप इसमें बला तेल का दे दीजिएगा अच्छा रहेगा, या फिर चंदन बला का है, अस्थि का पोषण करने वाला कोई ऑयल बता दीजिएगा जैसे क्या यूज कर सकते हैं ना अश्वगंधा इसमें, बलादी तेल, कौन सा सर, अश्वगंधा बला हाँ बला अश्वगंधा भी। अश्वगंधा, बला अश्वगंधा भी डाल सकते हैं, बला अश्वगंधा का, क्योंकि बस्ती क्या मूल स्थान पर काम करेगा ना, वात का स्थान पर काम करेगा ना, तो ये वात और अस्थि का आश्रय से संबंध होता है, जैसे अस्थि ये वात का एक स्थान भी माना गया है, तो ओवरऑल हम लोगों को अस्थि धातु के ऊपर भी थोड़ा काम करना होगा, अगर बाल देखिए डैंड्रफ के साथ बाल बहुत ही रूखे सूखे और स्प्लिटेड है, बाल नहीं बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है बस्ती अच्छा काम करेगी, और इसमें हफ्ते में एक आध हेयर पैक लगवाइएगा बदल बदल कर, कभी त्रिफला का लगा दिया, कभी दही का, कभी प्रोटीन का अंडे का लगा दिया, कभी दाल का लगा दिया, ऐसे अलग अलग आप थोड़ा ट्रीटमेंट प्लान करेंगे बस्ती के साथ कृमिघ्न चिकित्सा और हेयर पैक, तो आई थिंक डेफिनेटली इट विल वर्क, और हाइबिस्कस का आपने लेप कभी दही लगा के दीजिए। साथ कोई एक पेस्ट बताया था शुरुआत में 20 मिनट सप्लाई करने के, दही के साथ कुछ आपने बताया था शायद मेथी मेथी डाला का, था, मेथी मेथी का, मेथी का। हाँ दही मेथी या दही का अंडे के साथ भी उपयोग किया जा सकता है, और दही में फिर ये भी डाल सकते हैं ना हम लोग, मुल्तानी मिट्टी का और दही का भी लगा सकते हैं, त्रिफला चूर्ण और दही भी लगवा सकते हैं, ये भी बताया था मैंने, सीताफल के बीज का बहुत अच्छा है सर वो, सीताफल मतलब कस्टर्ड एप्पल, हाँ कस्टर्ड एप्पल का बीज उसका, सीताफल उसको कूट कर, ओके और ये सिंपल भी है, जैसे घर में ही आपने सीताफल खाकर वो इकट्ठा कर लिया मिक्सर में उसको ये कर दिया, और इसमें ना कृमि भी मर जाते, छोटे छोटे जो बारीक होते हैं ना कीड़े, जुए वो जुए कृमि, जुए जुए सॉरी जुए, हाँ वो जुओं के जुए लिए काफी अच्छा है, कई बार जुए भी होते हैं ना बालों में तो भी डैंड्रफ आ जाता है और खुजली होती है, और स्ट्रेस ये भी कारण है, तो अभी यहाँ पे भी डॉक्टर कैलाश जी ने डाला है ना कि आप इसमें शिरो पीचू शिरो बस्ती करवाइएगा नीम तेल से, बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि पीचू बस्ती अच्छा काम करेगा, और आंवला भृंगराज तेल ये नेचुरल ब्लैक कर देता है ऐसे वो बोल रहे, बट सर थोड़ा मुझे मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना है कि बाल आपके जो है कलर उसका इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रकृति जेनेटिक्स दोष, अगर आपके परिवार के आपके माँ बाप के बाल थोड़े जल्दी अर्ली एजिंग होते हैं उनमें जल्दी खालित पालित होता है तो आपके भी आने ही है, बस आप इसका जो टाइम पीरियड है ना उसको थोड़ा लेंथ कर सकते हैं, उसको थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं, बट वो भी प्रॉपर एज में अगर आपने स्टार्ट किया तो लाइक 17 18 की उम्र में ही आपने स्टार्ट किया तो आप कर सकते हैं,
कुछ लोगों के मैंने देखे ना कि बहुत अच्छे काले काले बाल होते हैं, और कुछ लोग सब कुछ खाना पीना अच्छा होते हुए भी बाल उनके जल्दी ही होते हैं, तो स्ट्रेस फैक्टर भी काफी वर्क करता है इसमें, बालों का जो समस्या है खालित्य पालित्य की या ग्रोथ को लेकर। और सर सबसे इंपॉर्टेंट तो आई थिंक ओवर यूज ऑफ हेयर कॉस्मेटिक्स, लाइक फिर तेल हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, ब्यूटी पार्लर का हो गया, सब कुछ आता है इसमें। ओवर यूज एंड एक्स्ट्रा बदलते रहना शैम्पूज और सब कुछ बदलते रहना बार बार, पानी का भी है फर्क, पानी के भी इसमें क्षार द्रव्य की प्रमाण कितना है वो भी है। तो मुझे लगता है हम लोगों को ये बीच बीच में ऐसे त्रिफला से बाल धोना, पेस्ट लगाना, ये करते ही रहना चाहिए, भले आपके बालों में कुछ समस्या हो ना हो, बट आपके बाल अगर लंबे समय तक आप चाहते हैं तो। और इट डिपेंड्स अपॉन, लाइक कफ दोष में बाल सुकेशिनी अच्छे बने हैं, पित्त दोष में तो अर्ली एजिंग, वो देखिए उष्णता है तो ये पाक करने ही वाला है, तो पित्त का हमेशा कंट्रोल में रखना होगा। फिर जैसे साल में 2 साल में एकाध बार वो मन विरेचन का कोर्स करवाना, तो शरीर शुद्धि ये भी बातें आती है, वात में बाल बढ़ते नहीं है, रूखे सूखे पतले होते हैं, उतना अच्छे से पोषण नहीं हो पाता है क्योंकि वात की प्रकृति ही ऐसी है। तो खान पान भी है, विटामिन्स, इसमें जिंक, कैल्शियम, फॉस्फरस, ये मिनरल्स आपके डाइट में होने चाहिए, इसीलिए मैंने मूंग का दाल का बताया था। तो प्रोटीन विटामिन्स की बराबर मात्रा, बी कॉम्प्लेक्स आहार अगर हो तो काफी बालों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। और सर ये भी एक मैं बताऊं कि बाल अगर आप प्रॉपर केयर करते हो ना, तो एज अभी मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनकी उम्र है 50 की वगैरह, बट फिर भी उनके बाल इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं जो पहले नहीं बढ़ते थे। तो डिपेंड करता है आपका डाइट एंड मेंटल पीस भी डिपेंड करता है, तेल लगाना, केयर करना, तो क्यों नहीं अच्छे रहेंगे बाल। मैम एक बार इसका डिफरेंशियल बता दीजिए, डेंड्रफ और सोरियोसिस जो आपने स्कैल्प सोरियोसिस बताया था, इनमें एक बार फिर से बता दीजिए थोड़ा तो सा। सोरियासिक का जो होगा ना, मतलब मार्क निशान या जो भी उसमें निकलते हैं धागे निकलते हैं, जो भी स्किन निकलती है, तो वो सिल्वर कोटेड होगी, सिल्वर वाली होगी। और कोंडा जो होता है ना वो छोटा छोटा होता है, और कोंडा आप कुछ करते हो शैम्पू वगैरह लगा देते हो तो कोंडा क्लियर होता है, बट शैम्पू से आपके डर्माटाइटिस या जो सोरियासिस है वो नहीं कम होने वाला। तो वो वहां पे कहीं ना कहीं आपको ट्रीटमेंट प्लान करनी होगी। सोरियाटिक सिल्वर कोटेड वाला होते हैं, और सोरियाटिस का ना जैसे अगर डैंड्रफ होते तो कहीं हमारे यहाँ पे बालों में जख्म नहीं होता है, कुछ निशान नहीं होता है, डैंड्रफ ऐसे बालों पे बैठ जाता है, बट सोरियाटिक अगर हो तो सोरियासिस में स्काल्प में भी आपको मिलेगा धब्बा, मिलेगा पैच, मिलेगा सिल्वर कोटेड वाला, और वो उसी जगह पर खुजली होती है। डैंड्रफ पूरे सिर भाग पर होगा, बट सोरियाटिक जो होगा वो किसी एक जगह पर होगा, फिर वो धीरे धीरे फैल जाएगा ना, तो पहली शुरुआत तो एक ही जगह पर होगा, तो हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं दर्शन परीक्षा से कि ये सोरेटिक का वाला है तो पैच। कई बार सोरेटिक का पैच यहाँ पे भी होता है, मान पर भी होता है, मैंने कुछ लोगों में मान पर देखा है, उनको लगता है कि वो एक्जिमा है, बट इट इज अ टाइप ऑफ सोरियासिस। सोरियासिस बहुत जल्दी समझ में आता है, वो टिपिकल होता है सिल्वर और जो उनका ये होता है पैच। डॉक्टर स्मिता जी बोलिए, मैं बहुत दिनों के बाद, डॉक्टर स्मिता जी अलका जी नमस्कार नमस्ते बोलिए, मैम। कुछ कहना है आपको। जी मैम, वो जो चाय होती है उसके लिए कुछ चाय यानी तो ये फिर एलोपेशिया एराटा ऐसे हो गया ना एरिया चाय, तो वो तो बालों के लिए फिर वो सारे 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 वो जो है पूरा ही इसमें हम लोगों को केयर करना पड़ेगा। टिपिकली इसमें भी ये सारे तो भी इसमें चलेंगे, बट बाल उगाने के लिए, बाल लाने के लिए तो आई थिंक इसमें भी शिरोपीचू, शिरोबस्ती, शोधन प्रक्रिया, अस्थि व प्रोथस पर काम करना, अस्थि मज्जा पाचक का प्रयोग करेंगे हम लोग स्टार्ट में, पूरे पंचकर्म की ट्रीटमेंट कराएंगे इसमें, और फिर इसमें समय लगेगा चाय के ऊपर काम कराने के लिए। कोई बताइए और किसी को कुछ इसमें नुस्खे आते हैं तो चाय के लिए, यानी खालित्य पालित्य के लिए, खालित्य के लिए। अर्षिया जी, माधुरी, फिर रक्त मोशन ही बोला जाता है इसमें, रक्त मोशन बोला जाता है कई जगह, बोलते हैं रक्त रक्त मोशन होता मोक्षण, है। हस्ती दंत की मशी का प्रयोग, हाँ हस्तिदंत मशिका, हाँ बट वो मिलना भी मुश्किल है। और हाँ कुछ हस्तिदंत बताइए, मिलती बाल नहीं है बाल उगाने के लिए क्या बोलूं। मैम। वो बोलते हैं कि क्या बोले, अमरूद के पत्ते घिसने का उसके पे घिसते घेरे का, उससे भी अमरूद के मतलब पत्ते, हाँ अमरूद मतलब वो पेट
पेरू पेरू के पत्ते, पेरू के पत्ते, हाँ हाँ गवार, हरसिंगार के भी बोला जाता है कि वो थोड़े रफ होते हैं, रफ होते हैं, पर पारिजात के पत्ते का पारिजात, हरिसिंगार, हरिसिंगार उससे। मैम इसमें जलों का है, रक्त पोषण तो जरूरी है, जलों का चरण कर सकते हैं क्या? हाँ हम कर सकते हैं ना, उसके ऊपर रख के जलों का उधर उस पैच पे। दूसरा हम विद्ध कर्म मैम उठते हैं ना नीडल से, उधर थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, करते गए लोग। हाँ 26 नीडल से भी कर सकते हैं ऐसे उधर थोड़ा ये करके। और इंटरनल तो मेडिसिन देना पड़ेगा मैम, शिरोधारा, शिरो अभ्यंग, विरेचन किया थोड़ा, पित्त की शांति भी करनी चाहिए। सर विरेचन से सिर का जो अधोगत वाला है वो भी शांत होता है क्या, अब निकल जाता है पित्त? विरेचन के बाद करना चाहिए, फिर विरेचन के साथ साथ कर सकते हैं, जैसे बस्ती करा है तो बस्ती, शिरोबस्ती करा, शिरोबस्ती के बाद ही हमने शुरू कर दिया रक्त मोशन, या विरेचन के बाद करना चाहिए रक्त मोशन, जैसे जलोका वगैरह से या शिरावेद से? सर विरेचन के बाद ही बेटर रहेगा, 5-6 दिन के गैप से करेंगे तो। वैसे आपको लाइक जलोका के लिए वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ इंडिकेशंस नहीं बताए गए हैं, आप कभी भी लगा सकते हो लाइक पेन किलर, वेदना शमन के लिए तो हम लोग कभी भी लगा सकते हैं ना सिरावेद तो। बट फिर भी अगर ऐसे पंचकर्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर पंचकर्म में कुछ 7-7 दिन का तो गैप होना चाहिए। मैम सिरावेद में एट अ टाइम कितना ब्लड निकाला जा सकता है? डिपेंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, मेरे विचार से 50 ml तक, 50 ml तक। आप इसमें हाँ बोलिए बोलिए मैम, डिफरेंस कितने दिन के बाद 50 ml फिर से कितने दिन के बाद निकाल सकते हैं? I think 5 दिन के बाद। अच्छा, अब मैम जलोका में भी ऐसे ही रहेगा क्या अगर हम निकाल रहे हैं तो? जलोका में भी सर हफ्ते में एक बार जलोका लगा देंगे, फिर एक हफ्ते में ऐसे। ओके, जलोका एक बार। इसमें देखिए स्मिता जी, इसमें भी वही सारा आएगा, शिकेकाई, आंवला, हिबिस्कस वगैरह वगैरह सब कुछ वही, नस्य और कुछ अस्थि पोषक वटी वगैरह का भी प्रयोग करिएगा, आपको बाल लाने के लिए काफी फर्क पड़ता है इन सभी से। बट शिरोधारा, शिरोभ्यंग, शिरोपिचु, नस्य ये ही इसमें आएगा। और जयपाल का बीज रहता है ना, इच्छा वेदी भी घिसते हैं, कितनी देर के लिए मुझे लगता है होगा 15-20 मिनट के लिए रखते हो। जयपाल तो तीक्ष्ण है ना, उष्ण होगा। हाँ हाँ, तो जिनको पित्त ज्यादा है वो नहीं लगा सकते ना पित्त अगर ज्यादा। अरे ये ग्रंथ में लिखा है जयपाल बीज पेस्ट में, तो उसके बदले कोई कोई इच्छा वेदी के टैबलेट्स ये करते क्रश करके उसका पेस्ट लगाते, उसमें जयपाल होता है ना। ओके मैम, शिरोबस्ती जैसे है तो शिरोबस्ती में मैक्सिमम कितनी देर तक कर सकते हैं, 30-40 मिनट से उससे ज्यादा भी? एक इसमें ना कुछ अभ्यंग स्वेदन वगैरह है, लेप वगैरह लगेगा, वमन, रक्त मोक्षण, विरेचन हो गया। मेडिसिन में क्या देंगे बताइए, थोड़ा इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरनल मेडिसिन क्या देंगे आप, एलोपेशिया या चाई लगना पेशेंट में, कदीर आरिष्ट देंगे, कदीर का, निम्ब का देंगे, कुछ त्रिफला कषाय देंगे बताइए, कैशोर गुगुल। मैम भृंगराज घनवटी, भृंगराज घनवटी और मैम इधर भी देना पड़ेगा रस, रक्त पाचक, अस्थि मज्जा।
और आरोग्य वर्धिनी चलाना पड़ेगा, ग्रहणी पहले ठीक करनी पड़ेगी मैम, पे काम करके जनरली में देखा जाता है कि वो पित्त जहाँ विहार होता है कहीं ना कहीं। आजकल वो जिम में भी बताते हैं इतने अंडे खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे हैं, तो ये अंडे खाने की वजह से भी मोस्टली मैंने देखा कि होता है कई लोगों को खा लेते हैं। कुल्थी का भी ना लेप लगाया जाता है, कुलत्ता का लेप लगा सकते हैं उसको ये कराकर। मैम और एक बोला है ना गुंजा फल का, गुंजा फल का है, गुंजा भी फल मिलता है उसको, रेड रेड रहते हैं ना वो बीज, तो उसका भी लेप है, वो तो फेमस है मैम, लगाते हैं 20 मिनट या 15 मिनट ऐसे। बट रक्त शोधन भी करवाना पड़ेगा इसमें, रक्त शोधन भी करेंगे, मंजिष्ठा वगैरह भी देंगे, आरोग्य वर्धिनी भी देंगे, सप्तामृत लोह दीजिएगा मैम इसमें, सप्तामृत लोह यदि लोह वगैरह तो दे सकते हैं। हम पाचन करा कर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, त्रिफला गुगुल है, अम्लकी रसायन है, अम्लकी रसायन, मतलब दीपन पाचन से स्टार्ट करा कर आपको बाकी आहार विहार बताइएगा, योगा प्राणायाम बताइएगा, और सारा मतलब पूरा लाइक अम्ल दंत आहार विहार सब कुछ बताकर पूरा ट्रीटमेंट करेंगे धीरे धीरे, तो आई थिंक ये रिजल्ट आपको मिलेगा इंद्रलुप्त में। प्रवाल पंचामृत मुझे दे सकते काम दूंगा, देन थोड़े शीत वीर्यात्मक पित्त शांत करना है तो प्रवाल। हाँ पूरी चिकित्सा ही करनी पड़ेगी आपको ना, पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ेगा स्मिता जी, ऐसे एक दो दिन में बाल नहीं उगते, एक महीने आपको पिछली बार भी बताया था, इसका भी डिंक गोंद है ना खाने की गोंद, तो गोंद का भी प्रयोग करिएगा, गोंद जस्ट एक पिंच मात्रा में घी के साथ खाने से भी बाल ग्रोथ होने में मदद मिलती है, ये मैंने कई बार कि सबको बहुत लोगों को बोला है तो फर्क पड़ा है। मैम इसमें जो आपने बताया है सप्तामृत लो ज्यादा बेटर रहेगा या फिर धात्री लो या फिर नवायस्थी? सप्तामृत, सप्तामृत खाली पित्त के लिए सप्तामृत। अच्छा और बताइए किसी का कुछ है तो बताइए, रंजीत जी कोई केस, सपना जी मैम वो हिस्टोडिसन का मैम तो मुझे कोई लिंक नहीं मिला था, अगर आपको जब टाइम मिले तो भेज दीजिए। सर वो मुझे ना थोड़ा टाइम ही नहीं मिला, मैं देती हूँ आप देख लीजिए, जब आपको टाइम मिले तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें आपने कुछ वेबपेज बताए तो वो मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे लिंक नहीं मिला, हमने काफी पूरा था एक्चुअली उसका। ओके सर, ओके ओके। मैम अग्निकर्म जो शलाका होती है वो कौन सी अच्छी होती है, और क्या अगर बिगिनर को यूज करना है तो कौन सी? पंचधातु की ही यूज करते हैं इधर हम लोगों के यहाँ, तो पंचधातु की जलती है। अच्छा वो देता है जो बनाने वाला होता है ना, वो सोनार लोहार वो बना के देता है अग्निकर्म का शलाका, 100 रुपए में 150 रुपए में, ऑनलाइन भी आपको मिलेगा अमेजोन पर है, अमेजोन पर थोड़ी कीमत ज्यादा लगी मुझे, 250-300 तक है, उसमें भी साइजेस वगैरह सब कुछ है। अच्छा। हमारे यहाँ पे सभी हमारे बैच ने बच्चों ने मतलब पूरा ऐसे 50 लोगों ने मिलाकर ही बनवा लिया था, तो वो अच्छा पड़ता है वैसे। मैम मैम अगर हमें चाहिए तो मिलेगी क्या मैम, यहाँ तो कोई बना के नहीं दे रहा है मैम। हाँ मैं आपको नंबर शेयर कर दूँ, क्यों हाँ। नहीं बिल्कुल मंगवाइए उससे, यहाँ पे हमारे यहाँ से कई सारे लेके जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर, नंबर शेयर आप कर दीजिए ग्रुप में। हाँ क्योंकि बच्चों ने सभी ने अभी हम लोग वहाँ पे गई थी ना मैं नागपुर में, तो वहाँ पे भी मैं बनवा के लेके गई थी, कुछ मेरे डॉक्टर्स ने मंगवाए थे तो उनको भी मैंने ये किया था। पंच धातु सलाका ना मैम? हाँ जी। स्वर्ण की ज्यादा बेटर रहती है क्या इसमें? रहती तो है सर, बट अफोर्डेबल होगी या अफोर्डेबल नहीं होगी थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा, तो पंचधातु की चल जाती है, सभी लोग डेली प्रैक्टिस के लिए तो वही यूज करते हैं। मैम जब प्रैक्टिस बहुत बहुत बढ़ेगी तो पहले तो अब सुवर्ण की शलाका जल्दी लेंगे, 2023 में आप सभी लोग सुवर्ण की शलाका लेंगे मेरी तरफ से आपको शुभेच्छा। तो उन्होंने एक फॉर्सेप से छोटा सा पीस स्वर्ण का रखा था, तो वो उसको लाइटर या फिर कैंडल से उसको हीट उस छोटे से पीस को करते थे हीट, लेकिन फॉर्सेप वो छोटा पीस छोटा था लेकिन वो फॉर्सेप से उसे पकड़े हुए थे उसे,
अच्छा तो छोड़े थे तो वो सोने का था, लेकिन वो सर वो जुगाड़ जुगाड़ हाँ वो भी कर सकते सर, जुगाड़ जुगाड़ का था वो, जुगाड़ सोने का था, छोटा सा पीस आगे रखा था। हाँ हाँ बिल्कुल, वही मतलब आप वैसे भी कर सकते ना, जैसे हम लोग अंगूठी वगैरह पहनते ना, 5 ग्राम की, 1/2 तोला की अंगूठी होती है, 3 सेंटीमीटर, तो वो आप ऐसे उसकी छोटी सी ये बनाकर ना आगे उसको लगाकर, वो भी चलता है, बिल्कुल वो भी चलता है। वैसे भी मैम ये है ना, अपना सर देशमुख सर है ना जो विद्या कर्म के, उन्होंने जो बताया गोखले सर का किताब है ना अग्नि कर्म है ना विद्या कर्म, उसमें दिया है स्वर्णशाला का किस माप की बनाने, 14 कैरेट का सोना, 7 mm के लेंथ की और थिकनेस और वो सब दिया है, उतनी ही 14 कैरेट का, तो फिर मैम सस्ता हो जाएगा ना, फिर वो तो इतना महंगा नहीं होगा। हाँ 14 कैरेट का सोना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 18 कैरेट का है वो, क्या 18 कैरेट का है शायद वो, नहीं पर जो गोप्ते सर के विद्या कर्म मैम को पता है, मैम मालूम है ना देशमुख सर का लेक्चर 14 कैरेट हमने रखवा है ना कई बार उनका। हाँ तो किताब में भी है 14 कैरेट गोल्ड का ही वो ये करते है। यस एक सवाल आया है कि हेयर स्पा गुड या बैड, डॉक्टर सोनम रोहिला जी ने पूछा है हेयर स्पा अच्छा है या गलत है। आई थिंक अच्छा है, अब अगर आप इसको सही तकनीक से करते हो तो, लाइक विदाउट केमिकल, नहीं हेयर स्पा मतलब वो पूरा भाप देंगे हेयर को, मसाज करेंगे आपको, ये करेंगे स्पा के जैसे ना, पूरी स्टेप्स उसमें वही आएगी, पहले मसाज आएगा, फिर तो गरम इसका श्वेदन करा देंगे, फिर कोई लेप अप्लाई करेंगे, फिर बालों को धो देंगे, स्पा में जनरली यही होता है ना, बस उसमें क्या दिक्कत है, बट वही नेचुरल चीजों से करें तो बेस्ट रहेगा। मैम भाप देना क्या हेल्दी रहता है बालों को, कि बालों को भाप जैसे स्टीमिंग करते हैं, कभी कभार देना ठीक रहता है, कुछ स्पा में तो वही चलता है ना स्पा में, क्योंकि पोर्स ओपन हो जाते, खुल जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जैसे हम लोग स्वेदन कराते हैं तो हल्कापन आ जाता है, लघुता आ जाती है, और लाइक सर्कुलेशन इंप्रूव होने के लिए मसाज के जैसे ही होगा ना, तो मसाज के बाद भाप दी जाती है। मैम मुझे ये पूछना था तिक्तक्षीर बस्ती को हम रोहन बस्ती में ही ले सकते हैं ना? हाँ निरूह बस्ती में ही, हाँ रोहन बस्ती में ले सकते, और मैम उसमें डू एंड डॉन्ट्स क्या रहेगी मैम? ठीक तक शेर में यस मैम, आम अवस्था में नहीं देना है, आम पाचन करके जी मैम, कौन से पेशेंट के लिए दे रही है, और बालों के लिए दे सकते हैं ठीक तक शेर बस्ती से भी बढ़ एवास्कुलर नेक्रोसिस में मैम। अच्छा ठीक है, हाँ कितनी मात्रा में देते हैं आप? मैम अभी स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, मैम कितनी में आई ml 100 ml से ज्यादा दूँ फिर क्या, फिर कम 150 ml दीजिएगा, 150 ml ना मैम? और मैम वो तुरंत निकल जाएगी या फिर वो थोड़ी देर रहेगी? रहेगी थोड़ी देर तो रहेगी मैम, उसको अब्सॉर्ब होना ही इम्पोर्टेंट है शरीर, निकलना अच्छा नहीं चाहिए, विरेचन तो करवा दिया है। अच्छा कौन सा पेशेंट की बात करें मैम? हल्का एवियन, एवियन वाला पेशेंट है मैम। अच्छा हाँ 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 उस दिन वाला, हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो उनका विरेचन तो हो गया मैम, अभी मेडिसिन चल रही है, लेकिन क्षीर बस्ती का मैं प्लान कर रही हूँ, लेकिन अभी अभी थोड़ा घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर अभी तो हो नहीं पाया है, लेकिन नेक्स्ट वीक में मैं सोच रही हूँ कि उनको स्टार्ट कर दूं। अच्छा मैम वो एक मुझे ये पूछता है, अगर हम ये घर पे दे सकते हैं क्या उनको, या फिर हम अपने क्लिनिक पे ही बुलाएं उनको? मैम कैसा है ना कि क्लिनिक पे बुलाना बेटर रहता है, कुछ इमरजेंसी बीपी वगैरह देखना, फिर ऐसे ना घर पे कैसे देंगे, मतलब कहाँ पे बोल रहे आप? उनके घर पे, उनके घर पे जाकर आप देंगी क्या? नहीं मैम वो हम अगर पेशेंट को सिखा दे तो फिर वो कर सकते हैं क्या घर घर पे, या फिर हमें करना पड़ेगा ना उसको, वो थोड़ा सा तो भी 2-3 बार करा कर ही करवाना पड़ेगा ना। हाँ वो तो 2-3 बार तो वैसे तो अगर सीख जाते हैं तो करवाऊ क्या फिर मैम, या फिर सेंटर पर ही बुलाऊ, वो मुझे थोड़ा पूछना था।
मुझे लगता है सेटअप पर बुलाना ही अच्छा रहेगा, बिकॉज पहले तो थोड़े समय के लिए, क्योंकि मैम इसमें आपको पहले बस्ती के पहले थोड़ा सा लोकल अप्ली अभ्यंग भी करवाना पड़ेगा ना, तेल से अभ्यंग और स्वेदन कराइएगा लंबो सक्रल रीजन का, लोअर एब्डोमिन का, फिर ही आपको देना पड़ेगा ना जी मैम। उनका अभी मैम पत्र पोटली स्वेद, साली शक्ति पिंड स्वेद और मात्रा बस्ती वो कंटिन्यू है, नस्य चालू है। अच्छा जी मैम, अच्छा ठीक है। अच्छा और मैम उसमें रक्त मोक्षण अगर अगर हम करवाएं तो फिर लोकल करें या फिर एंकल जॉइंट से करेंगे तो चलेगा? एंकल जॉइंट से चलेगा या क्यूबाइटल फोसा से चलेगा? जी मैम हाँ, लाइक हम लोग सिरा मतलब सिंपल रक्त मोक्षण जो कराते ना वेन पंक्चर मेथड से वो चलेगा। माधुरी मैम आपने कुछ बोला था बालों के लिए तिक्षी ब्रश की, कुछ आपने बोल रहा था कुछ मैं सुन नहीं पाया था। किसके लिए किसकी बात कर रहे सर? उषा अभी जब मैंने पूछा ना तो शुरुआत में जब माधुरी मैम ने कुछ बोला था तिक्षी ब्रश की के बारे में, बालों के लिए पता किसके लिए बोला था ये बोला था कि वो अच्छा रहता है बिकॉज 80 तक पोषण करता है ना, शेर बस्ती डीप नरिशमेंट देता है तो शेर अच्छे हो जाते हैं। ओके और किसी का कुछ है तो बताइए। बट अच्छा रहेगा, स्तिक तक्षीर बस्ती ना काफी अच्छा काम करती है इसमें, सभी लंबा स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह इसमें। मैम इसमें लंबा वगैरह रीजन के लिए फिर अनुवासन किससे देंगे अगर ये नीलू है तो? सर बृहत सेंधवादी तेल से दिया जा सकता है। ओके अच्छा रहेगा। दशमूल तेल दिया जा सकता है क्या? दशमूल तेल से दिया जा सकता है। मैम शीर वाला से भी दिया जा सकता है? हाँ दे सकते ना। अभी अभी एक और मैं मतलब बस्ती का ना सर कई बार लोग ना कई अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से। जैसे कुछ रेखा मैम ने आज, रेखा मैम आई नहीं, वो बस्ती देने वाली थी सवेरे, क्या हो गया पता नहीं कुछ तो अलग अलग टाइप से बस्ती वो बोल रही थी ना कुछ बस्ती देने के पहले उनको कुछ दिया था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बट सभी लोग अलग अलग प्रकार से देते हैं बस्ती भी। मैम एक लेक्चर गृहिणी पे चिकित्सा पे ले लीजिएगा जब भी आप। हाँ किस बस्ती का? ग्रहणी ग्रहणी ग्रहणी। अच्छा ओके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करते हैं कोई बात नहीं। ठीक है और किसी का कुछ है तो हाँ बोलिए। पेशेंट का लिंक शेयर कर दीजिएगा वो लेप वाला, मैं कल अटेंड नहीं कर पाई थी। कौन सा मैम? कल जो सेशन लिया था आपने वो लेप एप्लीकेशन का। अच्छा हाँ 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 ओके ओके, कल वाला ये था ना हमारा, ओके उपनाह का था, पोल्टिस को लेकर था। यस यस ओके मैं करती हूँ, कल भूल गई शायद, मैं करती हूँ, आज का तो मैंने कर दिया है। ठीक है ओके और किसी का कुछ सवाल है अंजलि जी तो, या फिर आज के लिए रुके रंजीत जी? ठीक मैम हेतु भी तो डिपेंड करेगा ना, कि जैसे आप बोल रहे हो खालित पालित के लिए तो वो अलग अलग हेतु होगा, उसको भी तो देख के हमें फिर करना पड़ेगा। वो तो है, वो तो है, एज है, हेतु है और सभी मतलब उसकी मेंटल कंडीशन है, स्ट्रेस फैक्टर है, वर्किंग पैटर्न है, उसकी प्रकृति है, सब कुछ तो देखना ही पड़ेगा खालिद के पर। मैंने तो शुरू में वही बताया मैडम को कि स्मिता जी को कि ये डिपेंड करता है ना कि प्रकृति जेनेटिक्स वगैरह इस सभी के ऊपर। अगर स्ट्रेस एंजाइटी की तरह से है तो फिर आपको ब्राह्मी तेल की शिरोबस्ती काफी अच्छी रहेगी, नस्य करवाना पड़ेगा, शिरोधारा शिरोबस्ती करवाना होता है ना प्रेगनेंसी के बाद, जैसे बोलते हैं ना मोस्टली कंप्लेन रहती है कि बाल झड़ रहे हैं, तो फिर उसमें हम पित्त शमन चिकित्सा तो नहीं कर सकते क्योंकि हम उन्हें दे ही रहते हैं ऐसी चीजें खाने के लिए कि थोड़ा सा ग्रोथ उनका हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी हम सेम। वो तो क्या होगा ना विटामिन डिफिशियंसी के बाद वाला होगा और कहीं ना कहीं धातु का पोषण करने की जरूरत होती है प्रसूति के बाद, तो रिजनरेशन तो करवाना पड़ता है, इसलिए तो हम लोग उनको लड्डू वगैरह वगैरह खिलाते तो है, इसीलिए इसे तो और पित्त बढ़ रहा होता है ना, तो फिर हम ऐसी कंडीशन में उनको स्पेसिफिकली फिर क्या दे सकते हैं मेडिसिन में आयुर्वेदिक? नहीं वो तो आप जैसे धातु नॉर्मल अवस्था में आ जाते तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता है, सूतिका अवस्था में तुरंत बाद आपको लगता है कि बाल कम हो रहे, मतलब बाल ज्यादा ये हो रहे, हेयरफॉल ज्यादा हो रहे, बट धीरे धीरे 6 महीने के बाद
वो नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि कैसे होता है ना कि बच्चे को पिलाना, दूध को पिलाना, तो कहीं ना कहीं पोषण की कमी के कारण वो बाल ज्यादा फॉल होते हैं, हेयर फॉल होता है। जैसे जैसे नरिशमेंट होगी, बच्चा दूध पीना कम कर देगा, आपका धातु पोषण होता रहेगा, वैसे वैसे बाल फिर से अच्छे आने लग जाते हैं। वो तो टाइम बीइंग पीरियड का है हेयर फॉल। और पित्त का हम लोग लड्डू वगैरह खिलाते हैं धातु पोषण के विचार से खिला देते हैं, बट वो भी प्रकृति और सब कुछ देख कर ही खिला देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। कल हमारा स्पेशल सेशन है पंचभौतिक चिकित्सा को लेकर, स्त्री रोगों में पंचभौतिक चिकित्सा, हमारी जो पीटी जोशी लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हमारा ये कल का सत्र रहेगा। ठीक है, तो कल जरूर आइए सभी लोग, और हमारे फेसबुक के भी सारे दर्शक सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपके रिस्पॉन्स के लिए, एंड आई होप कि आज का सत्र आपके लिए अच्छा रहा। आपका यूट्यूब लिंक भी शेयर कर दीजिए मैम, क्या है वो। हाँ हाँ जरूर। ओके मैम, थैंक यू। ओके ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू मैम।